नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त MC² = अपने यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हम कैसे अपनी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र यानी आधार एनरोलमेंट सेंटर को लोकेट कर पाएंगे यानी ढूंढ पाएंगे, वो भी ऑनलाइन पर। दोस्तों चलिए जल्दी से ही शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हमें दोस्तों क्रोम ब्राउज़र पर जाना होगा, वहीं पर हमें आधार ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्सेस करना होगा। दोस्तों गूगल पर हम सर्च करेंगे कि हम क्रोम पर आ गए। अभी हम दोस्तों गूगल पर सर्च करेंगे uidai.gov.in। ये दोस्तों आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम यहाँ पर uidai सर्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, लिखने के बाद ही नीचे आ जाता है उसकी हमारा लिंक आ जाता है हमारे मोबाइल पर। तो हम वहाँ पर क्लिक किए, वहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमको वो होम पेज पर ले जाएगी अपनी आधार ऑफिशियल वेबसाइट की। यहाँ पर देखिए दोस्तों लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर लिखा हुआ है, जो गेट आधार सेक्शन पर पहला जो ऑप्शन है लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर, जो पहला लिंक है देखिए, वहीं पर आपको क्लिक करना होगा। वहीं क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह एक इंटरफेस दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों तीन तरह से आप आधार एनरोलमेंट सेंटर यानी आधार सेवा केंद्र को लोकेट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक ही तरीका से जाएंगे, जो पोस्टल पिन कोड के माध्यम से यानी पोस्टल कोड के माध्यम से हम लोकेट करेंगे आधार सेंटर को। तो यहाँ पर सिंपली आपकी जो पोस्टल पिन कोड है आपकी एरिया की, उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद हम यहाँ पर शो ओनली परमानेंट सेंटर पर टिक करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो अप्रूव आधार सेवा केंद्र हो सकता है वो बंद हो चुका है, तो इसलिए हम शो ओनली परमानेंट सेंटर पर टिक करेंगे। उसके बाद सिंपली कैप्चा वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे। ये कैप्चा वेरिफिकेशन कोड डाल देने के बाद दोस्तों सिंपली लोकेट सेंटर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी दोस्तों पिन कोड के अंडर आने वाली सारी आधार एनरोलमेंट सेंटर। दोस्तों अगर आपकी पिन कोड के अंडर अगर कोई एनरोलमेंट सेंटर नहीं होगा, तो आपकी नज़दीकी जो टाउन होगा उसी का पिन कोड आपको डालना है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर आधार एनरोलमेंट सेंटर टाउन में होता है दोस्तों। तो इसलिए आप अगर आपको नहीं मिल रहा है आपकी पिन कोड एरिया में, तो आप नज़दीकी टाउन की पिन कोड डाल देना है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगा। अगर पसंद आई है दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। उसके पास दिखाई देने वाला बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी दोस्तों।